झारखंड और देश विदेश के खबर में आपका स्वागत है। पहला खबर है जमशेदपुर से। बागबेड़ा जलापूर्ति योजना चालू कराने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी को अल्टीमेट दिया गया। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अधूरे काम को दोबारा शुरू कराने के लिए शनिवार को बागबेड़ा किताहडी धाडीडी क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला पार्षद किशोर यादव के नेतृत्व में पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता अभय टोप्पो से मिलकर उन्हें मांग पत्र सौंपा गया। खबर रांची से। अफगानी नागरिक ने रांची में करा ली 91 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री, मचा हड़कंप। अफगानी नागरिक गुलाम सरवर खान ने रांची के काकी रोड स्थित कटल गोंदा मोजा में 91 डिसमिल जमीन खरीद ली। उसने जब होल्डिंग के लिए रांची नगर निगम में आवेदन दिया तो रांची नगर निगम ने यह कहते हुए उसके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया कि अफगानी नागरिक के नाम पर होल्डिंग जारी नहीं किया जा सकता है। इसी बीच एक दूसरा दावेदार सामने आ गया जिसने खुद को उस जमीन का रैयत घोषित कर दिया और उससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया। खबर है देवघर से। देवघर में क्या इस बार निकलेगी शिवरात्र? 27 साल की परंपरा पर शिवरात्रि महोत्सव समिति ने लिया क्या निर्णय, तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। इस साल देवघर बाबा मंदिर में शिव बारात का आयोजन नहीं होगा। देवघर में 1994 में शिव बारात निकालने की परंपरा शुरू होने के 27 साल बाद पहली बार ऐसा होगा कि बाबा नगरी में लोग शिव बारात के दर्शन नहीं कर पाएंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए समिति ने यह फैसला लिया है कि शिव रात्रि महोत्सव समिति के महामंत्री ताराचंद जैन ने यह जानकारी दी। सीएम हेमंत सोरेन ने शहादत दिवस पर वीर बुद्ध भगत को दी श्रद्धांजलि, बोले समृद्ध झारखंड के सपने ऐसे होंगे साकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की आज़ादी में अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का योद्धा अतुलनीय है। हम सभी झारखंड वासियों को उन पर गर्व है। वीर बुद्धू भगत की शहादत हमें उनके आदर्श एवं अपनी माटी के प्रति सच्ची निष्ठा निभाने के लिए प्रेरित करता है। हम उनके दिखाए रास्ते और आदर्श पर चलकर ही खुशहाल और समृद्ध झारखंड की परिकल्पना को पूरा कर सकेंगे। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में तकनीकी और गैर शैक्षणिक के इन पदों पर होगी नियुक्ति, तो खबर जानते हैं थोड़ी विस्तार से। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में तकनीकी और गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, कोर्स निदेशक तथा प्रशाखा पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति तथा शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति के लिए शीघ्र ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। खबर है जामताड़ा से। दुर्घटना के समय 100 के जगह 112 पर दे सूचना, यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो तो बेझिझक उसकी मदद करें। अब नए निर्देशों के अनुसार पहचान गुप्त रखी जाएगी तथा किसी तरह की परेशानी होने नहीं दी जाएगी। शनिवार को स्थानीय सावित्री देवी डीएवी प्लस टू स्कूल के बहुउद्देश्य लाला लाजपत राय सभागार में 32वें सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परिवहन कार्यालय के व्यापार समीक्षक दीपक कुमार ने ये बातें कही। राज्य निर्धनता छात्रवृत्ति योजना परीक्षा पास करने के बाद भी बच्चों को नहीं मिली छात्रवृत्ति, इतने जिले के बच्चे रह गए हैं वंचित, तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम के सरकारी स्कूल के 246 विद्यार्थियों का चयन राज्य के निर्धनता छात्रवृत्ति योजना के लिए किया गया था, लेकिन इन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी गई है। अब योजना बंद हो गया, आवंटित राशि लैप्स हो गई है। ऐसा एक साल नहीं बल्कि 3 साल तक हुआ। जिले के सिर्फ 50 बच्चों को छात्रवृत्ति मिली, वह भी सिर्फ एक साल। पूर्वी सिंहभूम जिले को आवंटित 4.92 लाख रुपए वापस गए। जिले शिक्षा पदाधिकारी ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को एक पत्र भेजकर हुए जवाब दिया कि 50 बच्चों को उक्त राशि दे दी गई, लेकिन अन्य बच्चों की खाता संख्या सही नहीं होने की वजह से राशि नहीं दी गई है। राज्य के 8 जिलों को कुल 34.68 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी। पुरुष सिंहभूम के सिर्फ 50 बच्चों को ही मिला योजना का लाभ, वह भी सिर्फ एक साल, राशि लैप्स है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। भयानक हमले के संकेत, भारत किलर ड्रोन से हुआ अलर्ट, चीन ने इसका लिया सहारा। भारत की एक बुरी खबर आ रही है, इजराइल से अरबों डॉलर के आधुनिक हथियार खरीदने के बाद अब भारत के लिए खतरा उभर के सामने आया है। इजराइल के 20 इंजीनियरों के खिलाफ एक एशियाई देश को बहुत घातक सुसाइड ड्रोन हरोब की तकनीकी बेचने का आरोप लगा है। ऐसे में इजराइल ने इस एशियाई देश का नाम नहीं बताया है, लेकिन यह खबर मिली है कि भारत के लिए दो तरीके से बहुत चिंता की बात है।
धारा 370 हटने का हिसाब मांग रहे थे कांग्रेसी। अमित शाह ने संसद में दिया झन्नाटेदार जवाब। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह ने कल लोकसभा में अपनी बात रखी। अमित शाह जब संसद में बोल रहे थे तो कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर से हटाई गई धारा 370 का हिसाब मांग रहे थे। अमित शाह ने इसका जोरदार जवाब दिया। लोकसभा में अमित शाह ने कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया गया। धारा 370 हटे हुए 17 महीने हुए हैं और आप इसके हिसाब मांग रहे हैं। 70 साल आपने क्या किया इसका हिसाब लेकर आए हैं हो। 70 ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने की समय ही नहीं आता। अरविंद केजरीवाल का 5 साल पुराना ट्वीट शेयर कर कंगना ने कहा, उम्मीद है आप रिंकू शर्मा के घर भी जाएंगे। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 25 वर्षीय रिंकू शर्मा की हत्या मामले को लेकर जारी सियासी घमासान में अब अभिनेत्री कंगना रनौत भी कूद पड़ी है। कंगना रनौत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक पुराने ट्वीट को शेयर किया है। कंगना रनौत ने अरविंद केजरीवाल को टैग कर ट्वीट किया है कि और लिखा है कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री रिंकू शर्मा के घर जरूर जाएंगे। बता दें कि रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि हत्या बर्थडे पार्टी के झगड़े के दौरान हुई, जबकि रिंकू शर्मा के भाई मनु ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्र करने के अभियान में सक्रिय रहने के चलते रिंकू की हत्या की गई है। एक ब्रेकिंग न्यूज, पूछताछ में जैश आतंकी हिदायतुल्ला ने किया बड़ा खुलासा, आतंकियों के निशाने पर थे NSA अजीत डोभाल। बीते 6 फरवरी 2021 को सुरक्षा बलों ने कश्मीर के अनंतनाग से हिदायतुल्ला नामक एक खूंखार आतंकवादी को गिरफ्तार किया था, जो आतंकवादी संगठन लश्कर ए मुस्तफा और जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था। पूछताछ में आतंकी हिदायतुल्ला ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर हमले के लिए पैनी नजर रखे हुए हैं। दिनेश त्रिवेदी का त्याग पत्र, अर्थ है ममता की बर्बादी, नतीजे आने से पहले ही नतीजे आ चुके हैं। टीएमसी कांग्रेस का बंगाल विधानसभा चुनाव में क्या हाल होने वाला है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि किस प्रकार से टीएमसी के नेता एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन टीएमसी कांग्रेस के पतन का प्रमाण तभी दिख गया जब पूर्व रेल मंत्री और टीएमसी कांग्रेस के कद्दावर सांसद दिनेश त्रिवेदी ने एक अप्रत्याशित निर्णय में राज्यसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देने का निर्णय किया है। गाना ने हिंदू फोबिक तंजीला को नौकरी से निकाला, रिंकू शर्मा की हत्या को जायज ठहराने की कोशिश करते हुए किया था ट्वीट। म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म गाना ने तंजीला अनिस को नौकरी से निकाल दिया है। उसने बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या के बाद शुक्रवार को असंवेदनशील ट्वीट किया था। इसके जरिए उसने अप्रत्यक्ष तौर पर हत्या को जायज ठहराने की कोशिश की थी। शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, जाने क्या है वो फैसला। शाहीन बाग मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई है। कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर के महीने ने दिए शाहीन बाग फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि धरना प्रदर्शन लोग अपनी मर्जी से और किसी भी जगह नहीं कर सकते। धरना प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन इसकी एक सीमा भी है। झटके लगते ही कंबल उठाकर भागे उमर अब्दुल्ला, बोले 2005 के बाद इतना भयानक भूकंप नहीं देखा हमने। जब उत्तर भारत के लोग अपने कामों नौकरियों से थक कर खाने और सोने की तैयारियों में ही थे कि इतने तेज भूकंप आया कि लोग अपने अपने घरों दुकानों सोसाइटीज में से अपनी जान बचाने के लिए खुले में निकलने के लिए दौड़ पड़े। इसी तरह का अपना अनुभव जम्मू कश्मीर राज्य के सीएम रहे उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट पर शेयर किया है। अब्दुल्ला ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि भूकंप इतना अधिक शक्तिशाली था कि वे अपना फोन भी घर में ही छोड़कर बाहर निकल भाग निकले। जिस यूपी ने नेहरू गांधी परिवार को बैठाया सिर आंखों पर, आज उसी प्रदेश की कमियां गिना रहे हैं राहुल गांधी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दीपेश चक्रवर्ती के साथ संवाद किया। इस दौरान राहुल गांधी ने उनसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मौजूदा घटनाक्रमों के साथ साथ उनके परिवार समेत कई मामलों पर सवाल किए गए। दीपेश चक्रवर्ती से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश को लेकर कई खामियां गिनाते दिखे। जिस यूपी ने नेहरू गांधी परिवार को सिर आंखों पर बैठाया, आज राहुल उसी सूबे की कमियां गिनाने में लगे हुए हैं। बता दें कि राहुल गांधी जिस राज्य की कमियां गिना रहे हैं, वह खुद यूपी के अमेठी से 2 बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। आज उसी यूपी में राहुल गांधी को खोट नजर आ रही है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश से ही देश के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं। उत्तराखंड के तपोवन टनल के अंदर ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। चमोली पुलिस के मुताबिक अब तक कुल 38 लोगों का शव बरामद हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और केरल में कई परियोजनाओं को करेंगे राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और केरल में कई परियोजनाओं को उद्घाटन करने के साथ साथ विभिन्न परियोजनाओं को आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह चेन्नई में कई परियोजनाओं को उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 3770 करोड़ रुपए की लागत से बने चेन्नई मेट्रो रेल फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन भी करेंगे और वासर मेनपेट से बिम्पो नगर तक यात्री सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। चेन्नई मेट्रो का 9.05 किलोमीटर लंबा यह एक्सटेंशन नॉर्थ चेन्नई को एयरपोर्ट और सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जोड़ेगा। अगर जेब में नहीं है पैसा, करना चाह रहे हैं खुद का बिजनेस, सोनू सूद ला रहे हैं नई स्कीम, जानिए वो स्कीम क्या है। एक्टर सोनू सूद ने कोरोना काल में लोगों की मदद करने का सिलसिला शुरू किया था। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लेकर विदेश में फंसे छात्रों की वतन वापसी तक एक्टर ने कई बेहतरीन काम किए, लेकिन समय के साथ और जरूरत के हिसाब से सोनू ने अपनी मदद का दायरा अब काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब सोनू सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी का मुफ्त इलाज करा रहे हैं तो किसी को नौकरी भी दे रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपए के बेहद करीब, देखे दिल्ली से पटना तक का रेट। कल लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई। अब तक कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के प्रति लीटर के करीब पहुंच गए हैं। देश के मेट्रो शहरों में पेट्रोल की कीमतें 25 से 30 पैसे तक बढ़ाई गई है, तो वही डीजल के दामों में 35 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान के श्री गंगा नगर में पेट्रोल अब 100 रुपए लीटर से अब तक के बहुत करीब है। यहाँ पेट्रोल के दाम 98 रुपए 98 पैसे लीटर है, वही डीजल 90 रुपए 82 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वही एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। देखिए देश के प्रमुख शहरों में किस भाव पेट्रोल बिक रहा है, जानिए आगे। पर खेल जगत से भारत वर्सेस इंग्लैंड में रोहित ने जड़ा शतक तो वाइफ ने दी रिएक्शन। चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में रोहित शर्मा ने शतक जड़कर फॉर्म में वापसी की है। उन्होंने 130 गेंदों का सामना कर टेस्ट करियर की 7वीं सेंचुरी लगाई। चेन्नई में दर्शकों के सामने शतक जमाकर रोहित ने भारतीय की पारी को संभाला। रोहित ने शतक जमाया तो दर्शक दीर्घा में उनकी वाइफ रितिका सचदे भी मौजूद थी। रितिका अपने पति के शतकीय पारी को देखकर काफी खुश नजर आई। बीसीसीआई ने ट्वीट पर रोहित शर्मा के शतक का वीडियो भी वायरल किया। इसमें पवेलियन पर बैठे भारतीय खिलाड़ी और दर्शक दीर्घा ने मौजूदा रितिका जश्न मनाती दिख रही है। रितिका ने खड़े होकर रोहित के शतक पूरा करने पर ताली बजाई और अपनी खुशी का इजहार किया। झारखंड और जींद में होगी सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता। हॉकी इंडिया की सब जूनियर महिला पुरुष वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता इस बार झारखंड के सिमडेगा और हरियाणा के जींद में होगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की महिला एवं पुरुष वर्ग की टीमों के ट्रायल 15 फरवरी यानी कल से ऊना में एक्स्ट्रो टर्फ मैदान में होंगे। ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का हॉकी इंडिया पोर्टल में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। हॉकी हिमाचल संघ के महासचिव रोमेश पठानिया ने बताया कि ट्रायल में अंतर्राष्ट्रीय कोच सुरेश ठाकुर, दीदा सिंह, अजीत कुमार, अनिल खंतवाल, सुमन पुरी, तवी चौहान, सुषमा शर्मा और प्रशिक्षक आशीष सेन
पार्केश दीमन खिलाड़ियों का चयन करेंगे। ट्रायल में चयनित खिलाड़ी 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेंगे। प्रतियोगिता झारखंड के सिमडेगा और नरवाना जिंद हरियाणा में होगी। धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।